1797. थैंक यू. तो फाइनल अवार्ड मैं मदद करूं? मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना. आई नीड टू फोकस सनशाइन. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है. कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे. मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी. तुम जितने सही आंसर्स दोगे, मेरे उतने कपड़े. Will you stop it, Tanya? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा. Relax. It's not that easy, huh? मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ. चार महीने से पढ़ रहा हूँ, तीन चार आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे. और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते. फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ. मुझे नहीं पता. इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ. First collected in 1797 by the Dutch Republic, introduced in the UK in 1799, abolished in 1816 and reintroduced in 1842. Very good. I hope तुमने काफी layers पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त form में. Define cross elasticity. Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं. जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है. और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है. I want your shirt, I want your shirt, I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. Multiple choice है, तो ध्यान से सुनना. Okay. मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है. ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है. या ऑप्शन सी, तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है. एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती. तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो. ऑप्शन बी, ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका. ऑप्शन बी. थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था. ऑप्शन सी. All the best for exams. It's definitely option C.